So hello everyone, this is your Kamlesh. Welcome back to my YouTube channel, Young Rides. I hope you all are doing absolutely fine. हाँ भाई पता है मुंबई का निकल का थोड़ा बहुत कॉफी है ये, बट जब तक अपना नहीं आता तो कॉफी करने में क्या ही हद है. Time is now 6:44 of the morning. और आज मैं निकल चुका हूँ एक नई राइड के लिए और जो डेस्टिनेशन है वो है लोनावला. लोनावला में काफी सारे पॉइंट्स है अलग अलग, तो कुछ पॉइंट्स मैं कवर करने की आज कोशिश करूंगा. थोड़ी सी ड्रिजलिंग भी हो रही है, लेकिन कैसा है ना कि थोड़ी देर पहले बहुत जोर से बारिश हो रही थी, तो मैं बोला यार थोड़ा बारिश कम हो जाए तो निकलता हूँ. एक बार राइड शुरू हो जाए उसके बाद अगर जोर से बारिश आती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई. यप, ही इज देयर, ही इज श्रीनाथ, राइट? यस श्रीनाथ. यू फ्रॉम अंबरनाथ ईस्ट और वेस्ट? वेस्ट से हो? ओके, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. यस यस, एंड फर्स्ट राइड साथ में. ही इज राइडिंग हिज होंडा हाइनेस. चलो लेट्स स्टार्ट. इनकोड के नाम पे मेरे पास फिलहाल के लिए ना पोंचो है. पोंचो क्या होता है पता है? जब इट्स अ टाइप ऑफ रेनकोट जो वन पीस होता है. इसके लिए कोई अलग से बटन या जीप वगैरह ऐसे कुछ होता नहीं. आप टी शर्ट की तरह इसको पहनो और पूरा घुटने तक होता है वो चीज. यार ये देखो बारिश आ गई जोर से, सो आई हैव टू यूज दिस नाउ. अरे भाई साहब, ये देखो ऐसा वाटर प्रूफ करना पड़ता भाई. 3.39 liters. कत्ते ही जहर बारिश आ रही है यार. बारिश के ना ऐसे चटके लग रहे हैं छाती पे, हाथ पे, छाती पे, सब ऐसे बारिश के बड़े बड़े बूंद के छटके लग रहे. स्नो वेयर बिटवीन तलोजा श्रीनाथ के गोप्रो में थोड़ा सा फॉग जमा हुआ है. इट्स नॉट गोप्रो राइट? कौन सा? सेम गोप्रो के लेंस में भी होता है. अंदर कैमरा हीट हो जाता है तो बाहर का टेम्परेचर अगर कोल्ड है तो लेंस जो है लेंस के अंदर समटाइम्स मॉइस्चर जमा हो जाता है. मेन सिग्नल भाई, बहुत बड़ा सिग्नल है ये. मैंने आपको रोड दिख रहा है, ये एक्सप्रेस वे है मुंबई पुणे वाला. मौसम है बड़ा का तिल 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 तिल. राइट साइड में ना एयरपोर्ट का काम चालू है, एयरपोर्ट बन रहा है. और लेफ्ट साइड में पूरा पनवेल शहर दिख रहा है. क्या खूबसूरत लग रहा है. हम लोग पनवेल के बाहर बाहर से जा रहे हैं. सो वी आर एट शेल पनवेल एंड जस्ट बाद काफ़ी ज़्यादा बारिश चालू हो गई है. एंड लुक होम वी मेट. तो लगभग यहाँ से 33 किलोमीटर और है खोपोली. पर खोपोली पहुंच जाते हैं तो इट्स लाइक मोर 7-8 or 10 किलोमीटर के आसपास है लोनावला. नॉर्थ हैज बीन टू टाइगर पॉइंट. मैं कभी टाइगर पॉइंट गया नहीं. हाउ वाज इट? मतलब कैसा है? और मतलब क्लाइमेट टूडे आई गेस आज भी अच्छा रहेगा, जाना चाहिए. सो अगर हम लोग पहुंच जाते हैं जल्दी लोनावला तो फिर टाइम रहेगा तो हम लोग निकल जाएंगे ना टाइगर पॉइंट. सो भाई मस्त कॉफ़ी पिया अभी, थोड़ा अच्छा लग रहा है. सुबह से निकला था तो कुछ भी नहीं हम लोग के पेट में था, ना पानी भी नहीं था. तो अभी कॉफ़ी बिस्किट मस्त खा के थोड़ा अच्छा लग रहा है. और वी हैड ए लॉन्ग ब्रेक, काफ़ी देर हम लोग रुके. द टाइम इज़ 9:18 और बारिश फिलहाल रुकी हुई है और बहुत ही प्लेजेंट वेदर हो गया राइडिंग के लिए. सुंदर, अति सुंदर, खूबसूरत, मस्त है ये. आई होप आपको शायद दिख रहा होगा. तो मैंने घाट चढ़ना चालू कर दिया है और इस तरफ जो पहाड़ है ना गाइस, ये वाले पहाड़ शायद गोप्रो में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं. इतने सारे वाटरफॉल्स दिख रहे हैं ना उस पहाड़ पे, लाइक अनबिलीवेबल. इतने सारे वाटरफॉल्स है. ये देखो भाई, ये इस चीज़ की मैं बात कर रहा था. कितने सारे वाटरफॉल है यार. अगर यहाँ पे ना रुकते एक बार, आपको व्यू दिखाता हूँ. पहाड़ का जो टॉप है वो पूरा बादलों के अंदर है कवर. और ये वाटरफॉल देखो, लुक एट दिस वाटरफॉल. ऐसे ये पूरा माउंटेन भरा हुआ है. तो भाई लोग पेश है आप सभी के सामने लोनावला, लोनावला घाट. बादलों के अंदर गाड़ी चलाते हुए हम. वाह भाई क्या नज़ारे है भाई. मैं हजार्ड लाइट अपना जो है पार्किंग लाइट ऑन कर देता हूँ. क्या नज़ारे है भाई. कुछ नहीं दिख रहा भाई, पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं दिख रहे. बहुत फॉग है यहाँ पे. ब्यूटीफुल टाइम. अभी कितना हो रहा है पता है? सुबह के 10:28 हो रहे हैं
और हम लोग पहुंच चुके हैं लोनावला। थोड़ी थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है, ज्यादा बारिश नहीं है अभी फिलहाल घाट पे, बस फॉग चल रहा है यहाँ पे। तो भाई साहब क्या बात है, ये अपने श्रीनाथ भाई, ओ भाई कुछ नहीं दिख रहा इस तरफ, लोनावला यही है। ओ भाई साहब आपसे ही बात कर रहा हूँ, गिर गर्दन घाट यही है। ये इसकी माँ आ गई, कुछ नहीं किया भाई, नाम पूछा, सिर्फ नाम भी नहीं बता रहा आपका बेटा। ये देखो भाई, ये नीचे जो है ये लोनावला घाट एक्सप्रेस वे, ये एक्सप्रेस वे है और ये हम लोग टॉप पे। भाई क्या व्यू है, क्या नजारे है। फॉग देखो यार, फॉग चल रहा है, बारिश में सिर्फ फॉग चलता है और कुछ नहीं पहाड़ों पे, इतना कम विजिबिलिटी। ये देखो यहाँ पे अपने खड़े और देखो वहां पे बंदे लोग खड़े, थोड़ा दूर जाने के बाद गायब, क्या विजिबिलिटी है, परफेक्ट, खूबसूरत यार, बेहतरीन व्यूज है यहाँ पे। गर्दी देखो भाई, ये होता है मॉनसून में यहाँ पे। कितनी सारी पब्लिक ऊपर तक गई है यार, ऊपर तक। किधर जाओ, ओके बुशी डैम इधर ही है, ओके तो पहले बुशी डैम जाते यार, बुशी 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 डैम, बुशी बुशी बुशी, यार ये बुलेट वाले को जाने दो। हैव रीच्ड बुशी डैम और लगभग टाइगर पॉइंट कितना किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर है। तो दिस इज द प्लेस आउटसाइड बुशी डैम, हम लोग बुशी डैम पहुंच गए और ये यहाँ पे मोमोज वाले भाई है, तो एक प्लेट मोमो खाते, बाइक हम लोग ने यहाँ पे पार्क कर दी है एकदम सेफ शेड के नीचे। पहले गया कभी? नहीं नहीं भाई, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं बुशी डैम। काफी फोटोज वगैरह देखे, थोड़ा बहुत मॉनसून, जो पीक मॉनसून होता है तभी थोड़ा बहुत रिस्की भी होता है, लेट्स एक्सपीरियंस दिस। और काफी ज्यादा रश है भाई, है ना। तो दिस स्टॉप बॉक्स मेड माय लाइफ सो इजी गाइस, और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये वाटरप्रूफ वाला है तो, और काफी ज्यादा बड़ा स्पेस है, मेरा जो फुल साइज वाला जो हेलमेट है वो पूरा इसके अंदर बैठ जाएगा, तो ये काफी एक बहुत ही बोलते हैं ना वर्थ इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप आते हो मॉनसून में तो ये भाई साहब आपको मिलेगा, ट्रस्ट मी गाइस, द बेस्ट मोमोस आई हैड टिल डेट, बेस्ट था, सही में बहुत अच्छा था। वे टू बुशी डैम, पार्किंग देखो गाइस, ये तो एक स्लॉट है पार्किंग का, इसके अलावा और कितने ही सारे वो साइड भी है। गाड़ी देखो भाई कितनी गर्दी है यहाँ पे, तो अभी जा रहे, वो देखो सामने वहां पे है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ऐसा लग रहा है पानी से ज्यादा पब्लिक रहेगी, मेंढक के जैसा, मेंढक बाहर आ गए सब लोग, पुणे मुंबई के मेंढक बाहर आ गए सब यहाँ पे। अपने इतने महंगे नहीं है जूते, घर चले जाए। ओ बेटा रश मैन, अरे भाई कंट्रोल, तो ये है बुशी डैम, ये है बुशी डैम, ये है बुशी डैम, ये है, बहुत रश है। यहाँ पे पार्किंग का बहुत लोचा है, अगर आप फोर व्हीलर लेके आते हो तो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट आपको पार्किंग में देना पड़ेगा, बाइक का 30 रुपया पार्किंग का, बट हम लोग ने जहाँ पे मोमोज खाया वहाँ पे हम लोग ने पार्क कर दिया है, विच इज़ गुड। और हो गया हम लोग का एंजॉय करके बुशी डैम, दूर से इंजॉय किया क्योंकि इतना गर्दी देख के और क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। रेस लेट्स लीव, सुबह निकल गए बुशी डैम से, एक्सपीरियंस था यार, मतलब मैं इतने मॉनसून राइड्स कर चुका हूँ, इतना सब कुछ, लेकिन इतनी गर्दी आज पहली बार मैंने कोई भी एक टूरिस्ट प्लेस पे देखी है, इतनी गर्दी भाई साहब। और जहाँ पे हम लोग ने मोमोज खाए थे वो भाई ने बोला कि वो गर्दी और बढ़ने वाली है, जैसे जैसे 2-3 बजते रहेंगे और गर्दियाँ बढ़ेगी, तो यार सोचो मतलब कितना रश रहता है यहाँ पे। हेडिंग बैक टू वर्ड्स होम नाउ, और टाइम जैसे मैंने आपको बोला 12:36 हो रहा है,
ये देखो यार, ये सब कार जो आ रही है ना, ये सब बुशी डैम की तरफ जा रही है। मोमोज बहुत प्यारे थे, आप अगर आते भी हो ना बुशी डैम या टाइगर पॉइंट तो मोमोज ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी थे, बहुत। लाइक मैं जनरली मोमोज का फ़ैन नहीं हूँ, बट ये आज जो मैंने मोमोज खाए ना भाई, लाजवाब। ऐसा अगर नहीं पता हो तो लोनावला में चिक्की बहुत ज़्यादा फेमस है, मगनलाल चिक्की बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप लोनावला आते हो ना तो आपको बहुत सारे इसके मार्केट में शॉप्स दिखेंगे चिक्की के। चिक्की को क्या बोलते हैं पता है, पीनट बट नहीं पीनट क्या बोलते हैं, पीनट बार, पीनट बार को चिक्की बोलते हैं। तो हम लोग की राइड कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग बदलापुर पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में घर पे पहुंच जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत सारे मॉनसून व्लॉग्स अभी आने वाले हैं इस सीजन में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और स्टे ट्यून्ड होने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कमलेश्वर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।